हिंदू कैलेंडर के अनुसार चतुर्मास से नए साल का आरंभ हो जाता है। इस महीने की शुरुआत हिंदू कैलेंडर के 8वें महीने से हो जाती है, जिसमें विशेष तिथियों पर पवित्र पर्व मनाए जाते हैं। इसी माह से देव तत्व मजबूत हो जाता है। कहा जाता है कि व्रतों में एकादशी और महीनों में कार्तिक भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस महीने में भगवान की पूजा आराधना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में स्नान दान और दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। आपको बता दें कि कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु इस दिन जागते हैं। इस दिन नियमित तौर पर भगवान श्री विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और उनके मंत्र पढ़ने चाहिए। अगर साल भर ऐसा ना कर पाए तो कम से कम कार्तिक मास में ऐसा करें। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ है। विशेषकर गंगा यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान का महत्व काफी अधिक है। अगर नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हो तो घर पर ही स्नान कर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। कार्तिक महीने में विशेष रूप से दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाईदूज जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। इस समय देवी देवताओं की आराधना और भव्य पूजा पाठ के लिए जाना जाता है। इस महीने में विभिन्न तीर्थ स्थलों पर स्नान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक मास में भक्तजन विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की पूजा उपासना करते हैं। कई लोग इस महीने में रोज उपवासी रहकर पूजा अर्चना भी करते हैं। इस महीने में जल की अहमियत को बताया जाता है। जल को शुद्ध और संरक्षित रखने का संदेश दिया जाता है, जो कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास को सकारात्मकता, उम्मीद और नव जीवन का प्रतीक माना जाता है। ये समय व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास का है। इस महीने में विशेष रूप से कार्तिक मास की कथा और भक्ति गीतों का गायन किया जाता है, जो भक्ति और श्रद्धा को बढ़ाता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास न केवल धार्मिक अनुशासन का समय होता है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि, भावनात्मक रूपांतरण और व्यक्तिगत विकास का भी अवसर है। इसलिए इस महीने का स्वागत करने के साथ साथ इसके महत्व को भी समझना आवश्यक है। इस महीने में अपने घरों को सजाना चाहिए व पूजा पाठ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस महीने से शीत ऋतु शुरू हो जाती है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को कंबल और ऊनी वस्त्रों का दान जरूर करें। किसी गौशाला में गायों की देखभाल करें। गायों के लिए धन का दान करें। इस महीने तुलसी, अन्न, गाय और आंवले का पौधा दान करने का विशेष महत्व होता है। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर या जहां सोते हैं वहां पर दीप दान करता है, उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी हर तरफ से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जो मंदिर में दीप जलाता है उसे श्री विष्णु लोक में जगह मिलती है। जो दुर्गम जगह दीप दान करता है वह कभी नरक में नहीं जाता। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में केले के फल का तथा कंबल का दान अत्यंत श्रेष्ठ है। सुबह जल्दी भगवान श्री विष्णु की पूजा और रात्रि में आकाश दीप का दान करना चाहिए। ऐसा करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है और भगवान श्री विष्णु की अपार अनुकंपा और आशीर्वाद बना रहता है।